I'm back with the new video. So in this video I'm today going to tell you about things ऐसी सात चीज़ें जो न्यूजीलैंड के लोग और इंडियन के लोगों का लाइफस्टाइल डिफरेंस कैसे होता है, तो उन चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगा. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हाय, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वहाँ के यंग लोगों की, जैसे टीनेजर्स, तो वो अपना लाइफस्टाइल कैसे करते हैं. तो वहाँ के अगर स्कूल के बच्चों की अगर हम बात करें तो वो मंडे टू फ्राइडे अगर स्कूल में बिजी रहते हैं तो वो सैटरडे संडे काम करना पसंद करते हैं. आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड बिकॉज दे अर्न देयर ओन पॉकेट मनी विच मेक्स देम इंडिपेंडेंट एंड दे नो हाउ टू रिस्पेक्ट द मनी विच इज़ आई थिंक वेरी गुड थिंग. सो दिस वॉज द नंबर फर्स्ट थिंग. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट दे डोंट लिव विद देयर पेरेंट्स. Yeah, so that's the thing that I think around age of 20, the most of the people, they don't like to live with their parents. उन्हें ऐसा अगर वो करते हैं तो उनके दूसरे लोग मजाक उड़ाएंगे कि तू अभी तक भी अपने पेरेंट्स से रह रहा है, तू खुद कुछ इंडिपेंडेंट नहीं बना, या फिर तू अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, तू अपना अलग रहना चाहिए, तू पेरेंट्स का ही खा रहा अभी तक, ये सब बातें उनको सुनने को मिलती है. तो ये भी अच्छी बात है, अब इंडिया में हम रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ तो ये नहीं है कि ये गलत है, बट यहाँ के लोग फिर ऐसे करने से इंडिपेंडेंट ज़्यादा बन जाते हैं और हम वही अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं. सब कुछ हमारे माँ बाप हमें करके देते रहते हैं, हम सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देते हैं और अलग अपनी चीज़ें करने में. तो दोनों ही जगह ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लगे, बट दिस इज़ द डिफरेंस. So the third thing is that they choose their own profession. I think ये बहुत ही ज़्यादा important चीज़ है because इंडिया में क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे अपने दोस्तों की या फिर अपने पेरेंट्स की सुन के ही प्रोफेशन चूज़ करते हैं. जैसे कि यहाँ तक कि कोर्स भी वो दूसरों की सुन के ही लेते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ये सब कोर्स उन्हें कुछ खुद पसंद नहीं होता बट फिर भी उन्हें करना पड़ता है फोर्स में आके. सो बट यहाँ के लोग, मोस्टली लोग यहाँ के, वो अपना ही दिल की करते हैं. अगर उन्हें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है, जैसे काफ़ी लोग होते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि हमें अभी क्या करना है, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे दो तीन चीज़ें अच्छी लगती है तो किसको चुनूँ, तो वो वेट करते हैं. ऐसे नहीं है कि हमें अभी क्या अभी पढ़ना ही है, वो वेट करते हैं. वो जस्ट जब तक उन्हें समझ नहीं आता तो जब तक वो अपना पूरा क्लियर नहीं हो जाता तो वो अपना प्रोफेशन नहीं चुनते, अपनी और हायर स्टडीज़ नहीं चुनते. So this is also the difference. So number four thing is that they are very open with their parents and with their family. I think this is the biggest difference जो इंडियन और यहाँ के लोगों में है. जैसे कि अगर उनकी कोई बॉयफ्रेंड या कोई गर्लफ्रेंड अगर उनका होता है तो वो बिल्कुल ओपन होते हैं, वो इंडियन लोगों की तरह छुपाते नहीं है, छुप छुप के टेक्स्ट नहीं करते, छुप छुप के कभी गली के बाहर या छत पे जाके बात नहीं करते, वो बस सबके सामने बात करते हैं, सबके सामने ओपनली, यहाँ तक कि अपने घर पे बुला लेते हैं अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, इंट्रोड्यूस करते हैं, साथ में रहते हैं फैमिली की तरह. और अगर वो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं तो उसके बारे में भी वो बिल्कुल ओपन रहते हैं. और जस्ट अगर वो उनको गालियाँ भी देनी होती है तो भी वो उसके बारे में ओपन है, वो ये नहीं है कि डर लगता है. आई थिंक विच इज़ नॉट वेरी गुड. आई थिंक इंडियंस थोड़े संस्कारी कल्चर टाइप में वो बिलीव करते हैं तो फिर, बट ये भी एक डिफरेंस है. सो द नंबर फाइव थिंग इज दैट यहाँ के पीपल इतने ज़्यादा रिलीजियस नहीं है जितने हमारे इंडियंस होते हैं. जैसे कि यहाँ के लोग आई थिंक हफ्ते में एक बार चर्च जाते होंगे बस, उससे ज़्यादा वो ये नहीं है कि मंडे को हम इस भगवान को मान रहे हैं, ट्यूसडे को इस भगवान को मान रहे हैं, वेडनेसडे को हम ये कर रहे हैं, ट्यूसडे को मीट नहीं खा रहे, थर्सडे को मीट नहीं खा रहे, ये सब इतनी ज़्यादा उस पर नहीं, लेवल पर नहीं है जैसे कि हमारे इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही रिलीजियस लोग हैं. तो अब उसके बारे में भी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा कि सब लोगों का अपना अपना बिलीफ है, बट जैसे आपको ठीक लगे वो करिए बस. बट ये डिफरेंस है कि यहाँ के लोग अपने हॉबीज़ और पैशन में ज़्यादा ध्यान देते हैं, विच इज़ आई थिंक वेरी गुड. वो फालतू के चक्करों में नहीं पड़ते, ये सब चीज़ें नहीं करते जो नहीं करनी चाहिए, टाइम वेस्ट लगता है मुझे ये सब. तो दिस इज़ द बिग डिफरेंस. हाई, तो नंबर सिक्स थिंग इज दैट दे चूज देयर ओन पार्टनर. आई थिंक दिस शुड बी हैपन एवरीवेयर बिकॉज हमारे इंडिया में अरेंज मैरिज को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है अभी तक,
जैसे चला जा रहा है वैसे ही है बस। बट अब थोड़ा कम हो रहा है अरेंज मैरिज का सिस्टम इंडिया में, बट यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं है, 0.1% भी नहीं है। यहाँ पे सब अपना पार्टनर खुद ही चुनते हैं। बट इंडिया में लोग मानते हैं कि पेरेंट्स कभी आपको बुरा नहीं चाहते, तो वो आपके लिए अच्छा ही ढूंढेंगे। बट विच इज़ राइट, बट आई थिंक आफ्टर ऑल रहना आप ही को है पर्सन के साथ, तो आपको अच्छे से उस पर्सन को जानना चाहिए प्रायर टू मैरिज, सो यू नो हु आर यू गोइंग टू स्पेंड योर लाइफ विद। सो दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस एज वेल इन कंपेयर टू इंडिया एंड न्यूजीलैंड पीपल। हाय गाइस, सो द लास्ट पॉइंट इज दैट दे मैनेज द वर्क एंड लाइफ बैलेंस, एंड आई थिंक दिस वन इज़ रियली गुड। आई थिंक एवरीवन शुड डू दिस, बिकॉज वो क्या करते हैं कि अपना सिर्फ काम में इतना बिजी नहीं रहते कि अपना पूरा पूरा दिन काम में निकाल देते हैं, और अपने हफ्ते के 6 दिन 7 दिन काम कर रहे हैं, उन्हें बैलेंस चाहिए। मंडे टू फ्राइडे अगर वो काम करते हैं तो वो सैटरडे संडे ऐसे इन्जॉय करते हैं जैसे कि वो कभी काम करते ही। तो आई थिंक ऐसे सबको करना चाहिए। हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम मंडे फ्राइडे अगर काम करते हैं, सैटरडे संडे भी हम बस इतने थक जाते हैं उसको इन्जॉय नहीं करते हम सैटरडे संडे, उसको भी बस अपने फालतू के काम में या फिर घर में रह के निकाल देते हैं। तो इतना वर्क लाइफ बैलेंस है नहीं, और हम ज़्यादा छुट्टियाँ ले नहीं पाते। वो अगर होता है तो उनका तो वो क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पे अच्छी खासी लंबी छुट्टी लेके कहीं जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। तो आई थिंक ये सबको करना चाहिए। सो एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस इन बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। हाय गाइस, सो मुझे यहाँ पे न्यूजीलैंड में रहते हुए 3 साल हो गए हैं, तो उसी अपने एक्सपीरियंस के बेस पर मैंने ये वीडियो बनाई थी। बट मैं ऐसे नहीं कहता कि इंडिया में इतना लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, बल्कि मुझे इंडिया में काफ़ी मज़ा आता था। इंडिया में ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा बड़े शहर हैं, ज़्यादा बड़ी कंट्री है, ज़्यादा चीज़ें करने को है, ज़्यादा फेस्टिवल्स है, ज़्यादा हैपनिंग प्लेस है, तो वो चीज़ें इंडिया में अच्छी है। यहाँ पे थोड़ा इतना ज़्यादा हैपनिंग नहीं है लाइफ, बस काफ़ी सूना सूना सा है, और अपना अपना ही सब अपने में बिजी है। इतना ज़्यादा कुछ कनेक्शन नहीं है लोगों में। बाहर अगर तुम निकलो रोड पर तो इतने ज़्यादा लोग देखने को मिलते नहीं, तो काफ़ी खाली खाली सा लगता है यहाँ पर। बस वैसे लाइफस्टाइल तो अच्छा है, बट काफ़ी साफ़ सुथरा है और जगह अच्छी है, बट जो वहाँ पर है वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ है वो वहाँ नहीं है, तो ऐसे ही है बस। ओके, थैंक यू। And I can't stop dancing with fire, dancing with fire. It's a sick dream.